तुम्हारे हाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पढ़ाई। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाद में तुझे काम आएगा जीवन में। हो सकता है कि 5 साल बाद तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आज तू पढ़ाई करने के लिए मेहनत डाल रहा है, अपना माइंडसेट बना रहा है, वो माइंडसेट जीवन में काम। अगर मुझे भी कुछ बड़ा करना है, तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, तो हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो जनता यानी 99.99% लोग फॉलो नहीं कर पाते। दैट इज सिंपल सा बात होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? हर दिन चीजें करना, हर दिन पढ़ाई करना, हर दिन डीपीपी लगाना, हर दिन लेक्चर देखना, ठीक है? अगर तुम ये सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, तुम अपने आप से, अपनी लाइफ से, भगवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा दे जिसको तुम आइडियलाइज करते हो। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। अब आएगा सेल्फ डाउट, आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास खोता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती, सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। जिस उम्र में सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में गलत इंसान के पीछे भागने लगे, प्रेम करने लगे हो उनसे। अंत में याद रखना बचेगा कुछ नहीं, गैलरीज में फोटो, मिस्ड कॉल की एक लंबी सी लिस्ट जो तुमने उनको मारे हैं, और एक नाकामयाबी का रिग्रेट। ये गोल्डन एज है, बचा लो इसको, दुनिया तुम्हें तुम्हारे कर्मों से याद रखेगी। तुम चाहोगे ना तो तुम कर भी पाओगे, पर सबसे पहले तो अपने दिमाग में से नेगेटिविटी हटाओ कि मुझे समझ नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी क्या होगे, फेल हो जाओगे। बट जब बार बार करोगे तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सीखोगे, और वो हर बारी तुम्हारा एक्सपीरियंस एक ऐड होगा, और तुमको वो चीज और बेहतर तरीके से आगे जाके क्या होगी, समझ आएगी। डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें, इसका सिर्फ एक उपाय है, अपने आप से आपको वादा करना होगा कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। एवरीबडी ऑफ यू, तुम जिस भी स्टेट में हो, जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो यार, इन सबका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जिंदगी में कुछ बनो, जिंदगी में कुछ उखाड़ो। मेन चीज है उठो। अब ये बहाने नहीं कि भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने, किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से, ये सोचो। मेरे को फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा, तुम्हारा आएगा। तुम्हारे क्या किसी दोस्त को भी फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो इसलिए उस चीज को याद रख के ना अब उठ जाओ, बस अब आखिरी टाइम है। अब नहीं करा तो बस भूल जाना कि यार जो वो सपना लेके बैठे थे ना कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, नहीं होगा, रियलिटी। ये जो अंदर तुम्हारे डर बैठा हुआ है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अपने दिमाग के अंदर डर नहीं आने देना है हमें। अगर सोच लिया है ना, करके दिखाना है तो करके दिखाना है, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन है एग्जाम में, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखना है। और आज कमेंट में सबसे पहली लाइन लिखनी है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्या लिखना है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ।